إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. پچھلے جمعے کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اسی آیت کی تلاوت کی تھی جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو, بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق. اس کے بعد مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے روزانہ فرض کی ہے, رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں, صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ ہر سال نکالنا فرض قرار دی ہے اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کا فریضہ انجام دینے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد معاشرتی زندگی ہے, اہل و عیال کے ساتھ کی زندگی ہے, گھر ہے, خاندان ہے, والدین, بیوی, بچوں, بھائی بہن, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, تجارت ہے, خوشی اور غمی ہے, یعنی زندگی کے جملہ حصوں میں اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں, توحید و سنت کا اقرار کر لیں, رمضان کے روزے رکھ لیں, زکوٰۃ دے دیں, حج کر لیں اور عمرے پر عمرے کریں. اس کے علاوہ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے, سماجی زندگی ہے, گھریلو زندگی ہے, خاندان ہے, پڑوس ہے, سماج ہے, معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, اس میں کس طرح ہمیں رہنا ہے, اس کے بھی اصول اور ضابطے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں. ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں رہیں, جیسے چاہیں زندگی گزاریں. کھانے پینے کے آداب بتائے گئے ہیں,
लिबास का तौर तरीक़ा और उसके आदाब बताए गए हैं। मर्दों के लिबास का भी जिक्र किया गया है, औरतों के लिबास को भी बयान किया गया है। गोया ज़िंदगी के जितने हिस्से किए जा सकते हैं उन तमाम में हमारी रहनुमाई किताब और सुन्नत में मौजूद है। तो अब ज़रूरी यह है कि हम इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हों, यहूद और नसारा की तरह ना करें कि वो किताब के बाद हिस्से पर अमल करते थे और बाज़ का इनकार करते थे, बाज़ के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारते थे। हम मुसलमान हैं, मुसलमान की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह के दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हों और पूरी ज़िंदगी इस्लाम की रोशनी में गुजरे। यही मतलूब ज़िंदगी है और यही मकसूद हयात है, और इसी के नतीजे में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी, अल्लाह की जन्नत में दाखिला होगा। नहीं तो फिर वईदें मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें खोल कर बयान कर दी है। इबलीस शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमें उसके रास्ते से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज हमारी सूरत हाल ये है कि हम उसी के रास्ते को पसंद कर रहे हैं। उसने इस दुनिया को खूबसूरत बनाकर पेश किया है, गुनाहों को मुज़य्यन करके पेश किया हुआ है, इसलिए हमें बुराइयों की बज़ाहिर खूबसूरती तो नज़र आती है लेकिन गुनाह के नतीजे में अल्लाह की नाराज़गी की हमें कतन फ़िक्र नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। इबलीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफ़रमानी की और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम नहीं किया। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, ये फरिश्ता नहीं है, न फरिश्तों में से था। अगर कोई ये समझता है कि इबलीस फरिश्तों में से है तो गलत है, वो जिन्नात में से है, आग से बनाया गया है, लेकिन अल्लाह का मुकर्रब था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत में जगह दी हुई थी। तो जब सारे फरिश्तों को हुक्म दिया गया तो साथ में इसे भी हुक्म दिया गया कि उस जुदूल आदम फसजदू इल्ला इबलीस, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने नहीं किया। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया। तो इबलीस ने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना। कुरान मजीद में मुतअद्दद मकामात पर अल्लाह ताला ने इस वाक़े को ज़िक्र किया है। सूरतुल हिज्र में कई आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इबलीस का मुकम्मल वाक़या बयान किया है। उसे जब अल्लाह ताला ने सवाल किया कि तुमने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की, तो उसका जवाब था कि मुझे तूने आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है, मैं इससे आला औरफा हूँ, इसलिए मैंने इसको सजदा नहीं किया। खलकतनी मिन नारिम व खलकतहू मिन तीन, मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत से निकाल दिया और कहा फइन्नका रजीम, बिलाशुबा तू मर्दूद है और क़यामत तक तुझ पर लानत है। तो इबलीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से क़यामत तक की मोहलत तलब की, क़यामत तक की मोहलत मांगी, या अल्लाह मुझे क़यामत तक ज़िंदा रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मोहलत दी,
वो आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी है। उसके बाद उसने कहा, अल्लाह मैं तेरे बंदों के सामने गुनाहों को मज़य्यन करके पेश करूँगा, खूबसूरत बनाकर पेश करूँगा और तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। और ये भी कहा कि जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया है, इसी तरह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे जो मुखलिस बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो लंबा वाकया है, मुख्तसर ये है कि इबलीस हमारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ताला ने उसकी दुश्मनी को जिक्र कर दिया है, उसकी तफसीलात बयान की हैं। तो ये दुनिया, दुनिया की आसाइशें और गुनाहों को मुज़य्यन करके खूबसूरत बनाकर वो हमारे सामने पेश करता है और हम उस पर ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं और उन चीज़ों को कबूल कर लेते हैं। मेरे भाइयों, शैतान की साजिशों से, उसकी चालों से, उसकी मकारियों से हम अपनी हिफाजत करें। अल्लाह ताला ने हमें नुस्खे बयान किए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये तअव्वुज़ है, ये ऐसा कलिमा है कि जिसको पढ़ने से हम शैतान के शर से, उसकी साजिशों से महफूज रहेंगे। तो जब भी कोई वसवसा हमारे दिल में आए, वो लोगों के दिलों में वसाविस भी पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के खिलाफ, शरीयत इस्लामिया के खिलाफ या बुराई की तरफ जाने के लिए, उस वक्त फौरी तौर पर अगर हम पढ़ लें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो अल्लाह के फजल व करम से उसकी चालों से, उसकी साजिशों से महफूज रहेंगे। और ये इतना बड़ा मलऊन है कि क़यामत के दिन इनकार कर देगा, कहेगा अल्लाह ने जो वादा किया था, सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने इसको बयान किया है कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया है तुमसे वो यकीनन सच है, मैंने तो तुम्हें आवाज़ दी, तुमने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा, मुझे दोष न दो, मेरे सर अपने गुनाहों को मत डालो, तुमने क्यों मेरी पैरवी की, मैंने तो तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी पुकार पर लब्बैक कहा, अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे तुमने उसकी मुखालिफत की, लेकिन यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, इसको भी बयान कर देगा, यानी अपने सर से सब उतार देगा कि तुम क्यों आए मेरे बहकाए, मैंने बहकाए तो था, तुम क्यों बहके, मैंने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की, तुम क्यों गुमराह हुए। इसलिए मेरे भाइयों, शैतान की हर तरह की चाल से हम अपनी हिफाजत करें। आज 30 दिसंबर है, कल इस ईसवी साल का आखिरी दिन है, सने ईसवी। इस पर जब साल खत्म होता है, साल आता है जाता है, गुजरता रहता है, अय्याम गुजरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ईसाइयत का चूंकि गलबा है और मुसलमानों ने भी बहुत सारी चीज़ें उनकी कबूल की हुई हैं, अमली तौर पर इख्तियार की हुई हैं, इसलिए मुसलमान भी और ख़ास तौर पर नौजवान तबका न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बड़े एहतमाम करता है। शहरों में मुख्तलिफ इलाकों की तरफ सफ़र करता है, बाहर के मुल्कों का सफ़र करता है कि साहब कहाँ जा रहे हैं, न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं, पटाखे छोड़ता है, आतिशबाजी करता है, यानी उनके जश्न में शरीक होता है। याद रखिए, ये सन ईसवी हमारा सन नहीं है, ये ईसाइयों का सन है।
हमारा सन सन हिजरी है जिसकी शुरुआत मुहर्रमुल हराम से होती है और जिसका आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का महीना है, हज का महीना, बकरईद वाला महीना, वो हमारा सन है मुसलमानों का। ये ईसाइयों का सन है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे शब रोज़ और रात दिन के मामूलात इसी सन के एतबार से चलते हैं। हम सन ईसवी की तारीख ही इस्तेमाल करते हैं और ये मजबूरी है हमारी। इसको आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे। तो हमारी अमली ज़िंदगी में जो महीने और तारीखें राइज हैं वो तो यही हैं, अंग्रेज़ी तारीख जिसे हम कहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये हमारा सन नहीं है। और इस मुल्क में सनातन धर्मियों की अक्सरियत है, यानी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनका भी अपना सन है, संवत उसे बोलते हैं, उसके भी बाकायदा महीने हैं, तारीखें हैं। वो हजरात भी अपने सन का इस्तेमाल नहीं करते। रोज़ाना तारीखों के इस्तेमाल में वो भी इसी सन ईसवी का इस्तेमाल करते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि ईसाइयों ने कितनी चालाकी से और कितनी होशियारी से अपने सन को पूरी दुनिया में राइज कर दिया और दुनिया की बेशतर अकवाम उनके सन के मुताबिक तारीखों का तायुन करती है। हम भी उसमें शामिल हैं। हम में से कितने लोग हैं जिन्हें आज हिजरी तारीख मालूम हो? कितने लोग हम में से, कौन सा महीना है, उसका नाम क्या है? कितने लोग होंगे मस्जिद में जिन्हें मालूम हुआ कि आज इस्लामी महीना कौन सा है, उसका क्या नाम है और उसकी कौन सी तारीख है? अंग्रेजी तारीख मालूम करेंगे तो हर आदमी बता देगा कि आज 30 तारीख है, कल 31 है। तो ये हमारी जिंदगी के मामूलात हैं। लेकिन याद रखिए, ये नए साल का जश्न और इसको सेलिब्रेट करना, ये हम मुसलमानों के लिए ज़ेबा नहीं है, किसी तरह भी सही नहीं है, किसी तरह मुनासिब नहीं, इससे बचें हम। और दूसरों के ऐसी तकरीबात में कि जो जिनका उनके मज़हब से ताल्लुक़ है उसमें हमारी शिरकत नहीं होनी चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। मेरे भाइयों, वक्त, दिन, साल और महीने ये मुस्तकिल चल रहे हैं, जारी और सारी है। हमें ज़िंदगी का एक दिन, जैसे दिन बढ़ते हैं तो एक दिन हमारी ज़िंदगी का कम होता है, साल का इख्तिताम होता है तो ज़िंदगी का एक साल कम हो जाता है। हम खुशियां मना रहे हैं कि नया साल आ रहा है। हमें तो अपने वक्त का, अपने मामूलात का, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का एक साल और कम हो गया, अब मालूम नहीं कितना वक्त बचा है और कब वक्त आ जाए इस दुनिया से रुखसती का। वक्त की बड़ी अहमियत है। वक्त वापस नहीं आता, वक्त गुजरता है, वापस नहीं आता है। इसीलिए किसी ने कहा है, दौड़ो जमाना चाल, कयामत की चल गया। अपनी ज़िंदगी के मामूलात में तेज़ी लाओ, नेकियों में सबकत करो, बुराइयों से बचो। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, साल गुजर रहा है, हमारी कब्र और हमारी कयामत हमारे करीब हो रही है। इसका हमें एहसास भी नहीं है, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। जितनी ज़िंदगी हम दुनिया में लेकर आए हैं उसमें से मुस्तकिल वक्त कम हो रहा है और हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो मंजिल आ जाएगी, वक्त गुजर जाएगा, तब पछतावा होगा कि काश
या लैतनी قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي काश मैंने अपनी जिंदगी में आज के लिए कुछ कर लिया होता। जो कब्र का मंजर होगा, कब्र की मंजिल होगी और फिर कयामत की मंजिल है, आलम बरज़ख की मंजिल है, उस वक्त आदमी कहेगा काश मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कर लिया होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और सही रिवायत है, अल्लामा अल्बानी ने उसकी सनद को सही कहा, आपने बारहा सुनी भी होगी, इमाम बैहक़ी ने उसको जिक्र किया है शौबुल ईमान में, इग्तनिम खमसन कबल खमसिन, पांच को गनीमत समझो पांच से पहले, शबाबक कबल हरमिक, पांच बातों को गनीमत जानो पांच से पहले, शबाबक कबल हरमिक, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, व हयातक कबल मौतिक, जिंदगी को गनीमत समझो मौत आने से पहले, व सेहती का कबल सुकमिक, सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत जानो बीमार होने से पहले, व फराग कबल शुगलिक, फुर्सत के वक्त को गनीमत समझो मशगूल होने से पहले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। व गिना का कबल फकरिक, पांचवी बात, मालदारी को गनीमत समझो फकीरी मोहताजी आने से पहले। इस हदीस में दो बातें खास तौर पर इस वक्त काबिल गौर हैं, व फराग का कबल शुगलिक, फुर्सत के वक्त को गनीमत समझो मशगूल होने से पहले, और दूसरी बात व हयात का कबल मौतिक, जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। मेरे भाइयों, जो अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल की जो भी जिसकी जिंदगी है, उसे गनीमत समझे, और उसे एक दिन फना होना, खत्म होना, फिर वक्त नहीं मिलेगा। कोई भी इंसान, कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर इसको जिक्र किया गया है कि जब बंदे के सामने वो मनाजिर आएंगे जिनका जिक्र किया जा चुका है, तब कहेगा कि अल्लाह मुझे मौका अता फरमा दे, अब मैं दुनिया में जाकर नेक अमल करूंगा। वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयकूल रब्बी लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फअस्सद्दक़ वकुन मिनस सालिहीन। जो को अल्लाह ने तुम्हें रिस्क अता किया है, उसमें से उसके रास्ते में खर्च कर लो, यहां तक कि तुम में से किसी की मौत वाकई हो, मौत के आने से पहले पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करो जो माल अल्लाह ने दिया है। फयकूल, कहेगा इंसान जब वक्त आ जाएगा कि ऐ रब्बुल आलमीन मुझे मोहलत अता फरमा दे, फअसद्दक, मैं सदका करूंगा तेरे रास्ते में, वअकुम मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में शामिल हो जाऊंगा। कहा जाएगा वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी का वक्त आ जाता है तो फिर मोहलत नहीं दी जाती है, जब किसी का वक्त आ जाता है फिर उसे मोहलत नहीं दी जाती है, ये अल्लाह का कानून है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है। मेरे भाइयों, जिंदगी और जो वक्त हमें मैसर है उसको गनीमत समझें। साल आया और साल गया, वक्त आया और वक्त चला गया, गुजर गया, वक्त की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में जाते थे, टॉयलेट में दुआ पढ़कर जाते थे, जब वहाँ से बाहर निकलते थे
तो बहुत मुख्तसर सी दुआ पढ़ते थे, वो फराना का, क्या फरमाते थे, वो फराना का, जिसको याद नहीं है वो याद कर ले, वो फराना का, एला मैं तेरी बख्शिश मांगता हूं। आप जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, कदाए हाजत के लिए पेशाब या पखाने के लिए टॉयलेट में गए, 5-10 मिनट वहां लगे और फिर बाहर आकर फरमा रहे हैं वो फराना का, एला मैं तेरी बख्शिश मांगता हूं, मुझे बख्श दे। टॉयलेट में जब आदमी होता है तो वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकता, कोई आयत नहीं पढ़ सकता, कोई दुआ नहीं पढ़ सकता, सलाम का जवाब नहीं दे सकता। इतनी सी कलील मुद्दत में अल्लाह ताला के जिक्र से दूर रहे, अल्लाह का जिक्र नहीं कर पाए, इसीलिए बाहर आकर बख्शिश तलब फरमा रहे हैं, अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं तेरी बख्शिश का तलबगार हूं। अब आप वक्त का अंदाजा लगा लीजिए कि इतना कलील वक्त जो टॉयलेट में गुजरा या बैतुल खला में गुजरा और वो अल्लाह की याद से दूरी का वक्त था, महरूमी का वक्त था, उस वक्त के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मगफरत मांग रहे हैं, अल्लाह बख्श दे इतनी थोड़ी सी मुद्दत में तुझसे मेरा ताल्लुक, तेरे जिक्र का और तेरी याद का ताल्लुक नहीं रहा। वक्त का अंदाजा लगाइए, वक्त की अहमियत का। वक्त बहुत जालिम होता है, कभी आता है कभी जाता है। लोग कहते हैं, मिसाल देते हैं, मियां वक्त वक्त की बात है, कभी किसी का वक्त है कभी किसी का नहीं है। ये जितनी मिसालें हैं ये हकीकत है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये जो दिन है लोगों के दरमियान आते और जाते रहते हैं, कभी किसी की सुबह है किसी की रात है, कभी अंधेरा है कभी सवेरा है, जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। मेरे भाइयों, वक्त को गनीमत समझो, जिंदगी को गनीमत समझो, फुर्सत के वक्त को गनीमत समझो। आदमी अपनी जिंदगी में नेक आमाल करने में सुस्ती बरतता है, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, कर लेंगे, बहुत वक्त है, अभी उम्र ही क्या है, 20 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, अभी क्या है, जवानी है, थोड़ा जरा और 40-45 साल तक पहुंचे तो कुछ ना कुछ फिर करेंगे। मसला मालूम है कि दाढ़ी रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये मसला हर मुसलमान जानता, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, शहर वाला हो या देहात वाला, हर एक जानता। लेकिन कितनी कोताही है और कितनी सुस्ती है और शैतान के कितने बहकावे में आदमी आ चुका है। माँ घर में बोल देती है, माँ अभी मेरा बच्चा है ही कितने साल का, अभी तो ये 20-25 साल का, हाँ रख लेगा, जब जरा उम्र होगी तो रख लेगा। मेरे भाइयों, मालूम है किसी को कि उम्र कितनी होगी और कब तक जिंदा रहेगा आदमी, हम में से किसी को मालूम नहीं। और वक्त इतनी तेजी के साथ गुजर रहा है कि देखते देखते छोटे बच्चे जवान हो गए, जिनको गोदों में खिलाया था वो अब जवान हैं, शादीशुदा हैं। कितनी तेजी से वक्त गुजरता है, इसलिए ये वसवसा है, बहकावा है शैतान का कि अभी तो उम्र हुई क्या है, थोड़ा और आगे गुजर जाए, पैसा है, हज फर्ज हो गया है, लेकिन नहीं अभी क्या, और जरा उम्र गुजर जाए और जरा बुजुर्ग हो जाए तब जाएंगे हज। इस्तेआत है, सब कुछ है, लेकिन नहीं जा रहा। इसी तरह और भी